वहीं पूर्णिया के साथ साथ अगर बात की जाए राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की, तो इस बार सबकी निगाहें इस सीट पर भी लगी हुई हैं। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बनी इस सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सरहद से सटी इस संसदीय सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। आइए देखते हैं ओपी यादव की एक ग्राउंड रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस संसदीय क्षेत्र में वैसे तो इन दिनों लू के थपेड़ों के साथ सूरज की गर्मी आग उगल रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मी के चलते सियासी पारा भी अपने चरम पर है। भाजपा ने यहां से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने आरएलएलपी से आए उम्मेद राम बेनीवाल को टिकट दिया है। वहीं शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय पर्चा भरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। चुनावी प्रचार में मिल रहे भारी समर्थन से उत्साहित भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। मोदी सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं, वो काम आज उन जनता के दिलों में बस चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी जनता के दिल में बस चुके हैं। चुनावी मुकाबले में सियासी समीकरण ढूंढ रहे कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेद राम बेनीवाल भी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के वादे के साथ साथ जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। और जो राष्ट्रवाद की सबसे ज्यादा बातें कर रहे थे, वो निर्दलीय के रूप में भी उसके साथ में लोग लगे हुए हैं, तो लोग सब समझते हैं कि असली में जन सेवा करने वाला कौन है। रियल और रील में के अंदर लोगों ने समझ फर्क महसूस कर लिया है। उधर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे रविंद्र सिंह भाटी वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श बताते हैं, लेकिन चुनावी रण में युवाओं के सहारे भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही है और जाहिर सी बात है कि कैसे क्या हो रहा है ये जनता को पता है, पर मुझे मेरे पिता तुले बुजुर्गों पे, युवा साथियों पे और मातृशक्ति पे भरोसा है। वो इस रविंद्र के साफे का मान कभी कम नहीं होने देंगे। चुनावी प्रचार में नारी शक्ति भी पूरे जोर शोर से जुटी है। घर में चौपाल चर्चा करने के साथ महिला मंडली मोहल्लों में जाकर अपने अपने दलों के समर्थन में वोट मांगने की अपील कर रही है। आज आप गांव के किसी भी घर में चले जाइए तो आपको हर घर में शौचालय मिलेगा, हर घर में। कौन सा भी हमें नेता बने, भले बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, हमें बस जनता का पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए और उनके बस खाली। गौरतलब है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस सीट पर लगभग 22 लाख मतदाता है, इनमें सबसे ज्यादा 4.5 लाख मतदाता जाट समुदाय के हैं। राजपूत मतदाता 3 लाख, मुस्लिम मतदाता 2,70,000 के करीब हैं। वहीं एससी एसटी वोटर 4 लाख के संख्या में मौजूद हैं। यहां 6.5 लाख वोट ओबीसी समुदाय के हैं। जाट मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजपूत समुदाय के रविंद्र भाटी ने ताल ठोक कर न केवल चुनावी समीकरण बदल दिए हैं बल्कि त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले को रोचक भी बना दिया है। जीत किसके सहरा बांधेगी ये तो आगामी 4 जून को पता चलेगा, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के चलते यह सीट न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में चर्चित हो गई है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज जैसलमेर बाड़मेर।